हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। अगर देखी जाए तो आलोक इंडस्ट्री में आज लोअर सर्किट लगा हुआ है, तो ये क्या रीज़न है, क्यों इसमें लोअर सर्किट लगा और आगे की क्या रणनीति होगी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस कंपनी को इतना बड़ा लॉस हुआ जबकि कंपनी तो पीपी किट बनाती थी, ग्लव्स बनाती थी। तो खुद इसका जो है स्टेटमेंट दिया था नीता अंबानी जी ने अपने एजीएम में। तो फिर क्यों इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या हुआ, क्यों इतना बड़ा लॉस दिखाया जा रहा है 10,000 करोड़ के राउंड का बैलेंस शीट को, सॉरी प्रॉफिट लॉस को भी समझेंगे, जो इनका पीएनएल है पीएनएल को भी समझेंगे और टोटल हम समझेंगे कि ऐसा क्या इसमें चल रहा है एक्चुअल में। देखा जाए तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जेएम फाइनेंशियल और रिलायंस ने के पास टोटल 75% की इक्विटी है और इसमें जो कि मालिकाना हक उनको दिलाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है कि मालिकाना हक जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखें तो कुछ पॉइंट्स और हैं कंपनी में, कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस आई हैं, तो टोटल इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरा देखते हो ना वीडियो तो मैं मोटिवेट होता हूँ, मेरा वॉच टाइम बढ़ता है और मैं मोटिवेट होता हूँ। तो रिक्वेस्ट आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कर करके मत देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। हो सकता है आप आलोक इंडस्ट्री में फंसे हों और कोई आप फैसला ले पाएँ। तो चलेंगे पहले इनकी सीधी बैलेंस शीट के तरफ। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ से एक मार्कर सा उठा लेता हूँ कि आपको आसानी से मैं समझा पाऊँ। तो यहाँ पे आप लॉस अगर देखें तो आप ये देख पा रहे हो 10,192 करोड़ का लॉस है, कितना बड़ा लॉस है। तो क्यों है ऐसा, क्यों ऐसा हुआ, जबकि पिछली बार देखा जाए तो कंपनी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में थी, बट अभी इतना बड़ा लॉस क्यों दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में आप देखिए तो गिरावट आई हुई है और आनी भी थी, लेकिन इसमें भी रीज़न है, वो भी हम आगे बात करेंगे। अगर टोटल इनकम की बात करें तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ, बट यहाँ पे एक इन्होंने बहुत बड़ा लॉस ऐड किया है, ये 8837 करोड़ का, ये आप देख पा रहे हो। ये लॉस किस चीज़ का लॉस है, तो ये आप देखिए यहाँ पे एक्सपेंशनल आइटम रेफर नोट 5, नोट 5 में इसने रेफ़र किया हुआ है, हम देखेंगे उसको। तो टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स, ये सारा कुछ यहाँ पे ये है नीचे। तो एक बार चलते हैं हम 5 में, देखते हैं कि क्या है इसका 5, ये आ गया 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए द कंपनी, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी होगा। यस राइट, तो ये आ गया द कंपनी हैज़ बिन इनफैक्ट। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो बात किया है, यहाँ पे एक बात किया है टेंगेबल एसेट्स का, टेंगेबल एसेट्स जो कि 30 जून तक का टेंगेबल एसेट्स दिखाया है, और ये यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस दिखाया है 8262 करोड़ का। टेंगेबल एसेट्स ये होता है दोस्तों जो कि कभी भी कैश में चेंज कर सकते हैं, मशीनरी हो गया या फिर मशीनरी के पार्ट्स हो गए, उनको टेंगेबल एसेट्स कहते हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि टेंगेबल एसेट्स की वजह से इनको लॉस है, जो पुरानी मशीनरीज वगैरह इनके पास हैं जो वहाँ से उनको ये लॉस है, जबकि कंपनी का रूल है कि ज़रूरी नहीं है ये जो लॉस है टेंगेबल एसेट्स वाला जो लॉस है उसको एक साथ दिखाया जाए एक ही बैलेंस शीट में या फिर एक ही क्वार्टर में इसको शो करना पड़े। इनको ये थोड़ा थोड़ा करके भी शो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ये एक साथ दिखा के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको एकदम से टेंशन में डाल दिया कि 10,000 करोड़ का लॉस और सेलिंग आप प्रेशर आ गया, एकदम से इसमें लोअर सर्किट लग गया। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए हमें कि ऐसा क्यों किया गया है, ये इतना बड़ा लॉस एकदम से क्यों दिखाया। यहाँ पे ये 3,000 करोड़ 2,000 करोड़ भी दिखा सकते थे, ये जो 8,800 से 9,000 करोड़ के अराउंड का ये लॉस है, ये लॉस को ये साइड में रख सकते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतना बड़ा लॉस सामने ला के हमें भौचक्का कर दिया है, हैरान परेशान कर दिया। जो नहीं समझेंगे वो तो यही देखेंगे। अच्छा एक पॉइंट और, इनको इतना बड़ा लॉस क्यों आएगा जबकि ये कंपनी तो पीपी किट बना रही थी, है ना। नीता अंबानी जी ने एजीएम में कहा था कि बहुत बड़े लेवल पे पीपी किट का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे पीपी किट का मैन्युफैक्चर हो रहा है आलोक इंडस्ट्रीज़ में। तो जब ये पीपी किट इतना ज़्यादा बनाया गया तो ये गया कहाँ पीपी किट, क्या इन्होंने उसको सोल्ड नहीं किया, उसको बेचा नहीं,
क्या उसे उसको अभी तक रखा हुआ है उन लोगों ने? क्या इसकी डिमांड नहीं थी? इतनी ज़्यादा डिमांड होने के बावजूद भी उससे कुछ नहीं कमाया, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया गया है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अदर्स इनकम की बात करूँ, इन्होंने क्या दिखाया? अदर्स इनकम में सिर्फ 4 करोड़ का इनकम, ये क्या है? पीपीई किट जबकि इतना ज़्यादा बन रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया गया इनकम फ्रॉम पीपीई किट? यहाँ पे तो लिखना चाहिए था ना इनको पीपीई किट, जबकि उसका कोई नामो निशान नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक चाल है, ये एक एक्चुअल में अगर देखें ना इसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, जो जिनके पास माल पड़ा हुआ है, वो सारा एग्जिट करें। मेरा तो जो थॉट है, मुझे तो ये थॉट प्रोसेस आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा सही है? रिटेल इन्वेस्टर को ये सेल करवाना चाह रहे, रिटेल इन्वेस्टर निकलेगा, उसके बाद रिलायंस इसको अक्वायर करेगी या क्या करेगी? इसको खरीद लेगी, ये डीलिस्ट होगा, इसके बाद रिलायंस का शेयर मिलेगा? बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस हैं। तो टोटल में इसमें से कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से तो ये लॉस जायज नहीं है, इस कंपनी में बने रहना चाहिए, लॉस को देख के घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आता हमें दिख जाए, अभी जैसे इसका अगर प्राइस देखिए 31 रुपये, हो सकता है ये 25-25 रुपये तक एक बार आने देखने को मिल जाए, लेकिन वहाँ पर फिर हम बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।